Hey, what is up, guys? हमारे इंडिया में क्रिसमस के त्योहार को लोग पाश्चात्य संस्कृति मानते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो क्रिसमस मनाते होंगे, लेकिन ये त्योहार बाकी त्योहारों जैसा ही है। ये सिर्फ लोगों के सोचने का नजरिया है। और क्रिसमस के दिनों को एक्समस डे भी कहा जाता है। जी हाँ, दरअसल एक्स शब्द ग्रीक से लिया गया है, जिसका मतलब होता है क्राइस्ट, जीजस क्राइस्ट। और हम सब ये तो जानते हैं कि क्रिसमस के दिन जीजस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, इसीलिए लोग इसको क्रिसमस डे के तौर पर मनाते हैं। लेकिन ख्रिस्ती धर्म की बाइबल में 25 दिसंबर का ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी लोग मनाते हैं। और ये तो अपनी अपनी श्रद्धा का विषय है, लेकिन क्रिसमस के बारे में कुछ अनसुने रहस्य भी मौजूद है। सबसे पहले तो लोग क्रिसमस ट्री घर में सजाते हैं, जिसे शांति और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। लेकिन आपने देखा होगा तो इस क्रिसमस ट्री के ऊपर लोग मोजे लटकाते हैं। दरअसल इस प्रथा के पीछे एक कहानी मौजूद है। ये कहानी एक गरीब इंसान की है, जिसकी 3 बेटियां थी, लेकिन उसके पास उनकी शादी कराने के लिए पैसे नहीं थे। तो फिर एक रात सेंट निकोलस यानी कि सांता क्लोज ने उस इंसान की मदद करने के लिए चिमनी में सोने से भरी थैली डाली, जिससे वो अपनी बेटियों की शादी करवा सके। लेकिन वो थैली वहां पर रखे मोजे में जा गिरी, इसीलिए लोग सांता उस मोजे में कुछ डालेंगे ऐसा सोच के वो मोजे को सजाते हैं। और हम सब जानते हैं कि क्रिसमस का मेन अट्रैक्शन सांता क्लोज होते हैं, लेकिन 1930 में जो पहले सांता क्लोज थे उनके कपड़े लाल नहीं बल्कि नीले, सफेद और हरे रंग के थे। लेकिन बाद में 1930 में कोको कोला के एड के बाद सांता के लाल ड्रेस फेमस हो गए, और तभी से लाल रंग के सांता को दुनिया भर में क्रिसमस के दिन लोग याद करते हैं। एनीवेज, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको मेरे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में याद रखना। साइनिंग ऑफ TEH, गुड बाय।